स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच वी कॉल फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस टॉपिक अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर विच पर्पसेस वी नीड फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल्स वी ऑलवेज नीड टू बाय द फिक्स्ड एसेट्स एंड नाउअडेज दैट फिक्स्ड एसेट्स वी कॉल नॉन करंट एसेट्स मींस आपकी कंपनी का जो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह की फर्म में फिक्स एसेट्स की परचेज में लगता है उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं सो फर्स्टली यू विल बी मेकिंग अ लिस्ट मेरे को फर्नीचर कितने का खरीदना है मेरे को लैंड कितने की खरीदनी है मेरे को बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे कितना लगाना है मेरा प्लांट कितने में आएगा मेरी मशीनरी कितने में इंस्टॉल होगी दिस ऑल थिंग्स यू विल बी मेकिंग एन एस्टिमेट एंड देन यू विल बी कमिंग टू नो दैट हाउ मच फिक्स कैपिटल आई एम रिक्वायरिंग राइट Then what is the meaning of working capital? This is a capital which we need to meet our day-to-day expenses. Daily expenses ko chalane ke liye aur apne business ke operations ko sahi dhang se manage karne ke liye jo capital aapko chahiye hoti hai use hum working capital kehte hain. So aapki book ke context mein aise working capital ka formula undoubtedly current assets minus current liability hota hai. But when I see your business studies book NCERT especially he calls that working capital can be of two types gross working capital kahin aapko mil jayega main tick bhi karwati hu abhi this will be gross working capital and one it will be net working capital ग्रॉस को ही विल बी कॉलिंग GWC एंड NWC ग्रॉस अकॉर्डिंग टू हिम इज टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स टोटल ऑफ CA मींस करंट एसेट और ये वही फॉर्मूला है जो हमने रेशियो एनालिसिस में किया था करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो अकॉर्डिंग टू हिम दैट वी विल बी कॉलिंग नेट वर्किंग कैपिटल तो आपने अपने पोजिशन में जितने आपके करंट एसेट्स हैं उनका टोटल करिए या आपको कितने के करंट एसेट्स चाहिए आप उसका पहले एस्टीमेट लगाएंगे देन यू विल बी एस्टीमेटिंग कि आपको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए ठीक है एक सेकंड व्यू और ओपिनियन हमारे पास रहता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स में से टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज का एस्टीमेट अगर माइनस कर दे तो यू विल कम टू नो अबाउट योर नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बेसिकली हम इस टर्म को यूज करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल उसने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया ठीक है सो लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक He is talking about firstly fixed capital. Am I right? तो आप अगर पहला पैराग्राफ देखते हो तो लास्ट वाली लाइन्स आपको एक हिंट देती हैं जो पैसा मेरे को फिक्स एसेट्स की परचेज में लगाना है उसी पैसे को हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं सो दिस यू हैव टू डिसाइड वेरी कॉन्शियसली दैट हाउ मच मनी आई नीड टू इन्वेस्ट इन माय फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स में मेरे को अल्टीमेटली कितना पैसा इन्वेस्ट करना है आप इसका एस्टिमेट बहुत केयरफुली और कॉन्शियसली लगाते हैं आपका ये एस्टिमेट किसी भी हालत में गलत प्रूफ नहीं होना चाहिए ठीक है दैट इज स्ट्रेसिंग अपॉन क्योंकि फिर से वही बात है इट इज अ सॉर्ट ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन वंस द डिसीजन इज बीइंग टेकन दैट इज इररिप्लेसेबल इररिवर्सिबल एंड हियर बाय ही इज सेइंग कॉलिंग इट इररेवोकेबल इरेवोकेबल का मतलब क्या है एक बार डिसीजन ले लिया गया तो आप इसे बदल नहीं सकते हो अगर बदलोगे भी तो आपको बहुत सारा लॉस सफर करना पड़ेगा सो बेटर है कि बहुत कॉन्शियसली आप डिसाइड करो कि मेरे को फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए होगी करंट एसेट्स का मीनिंग हमें पता ही है यस दिस आई वांट टू रीड फॉर यू मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल हाउ टू मैनेज द फिक्स कैपिटल फिक्स कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स आप वहां पे अपनी नॉलेज के लिए नॉन करंट एसेट वर्ड लिख सकते हैं आप वहां पे अपनी नॉलेज के लिए फिक्स एसेट लिख सकते हैं बिकॉज अर्लियर वी यूज टू कॉल दीज नॉन करंट एसेट्स एज माई फिक्स एसेट तो जो फिक्स एसेट में पैसा लगता है उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं सो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट्स विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस तो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है कहां कहां कितना कितना पैसा लगाना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट पहले तो कैटेगराइज करो उन कैटेगराइजेशन के बाद यू जस्ट डिसाइड दैट हाउ मच मनी इज टू बी एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर फिक्स एसेट मींस मैं फर्नीचर पे कितना लगाऊंगी मैं प्लांट पे कितना लगाऊंगी मैं मशीनरी कितने की खरीदूंगी एटसेट्रा एटसेट्रा सो दिस ऑल एलोकेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हम पहले से कर चुके हैं व्हेन वी डिड आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस राइट So this is going to affect your growth, profitability, and risk of the business in the long run. So, कभी भी ये decision blindly or rationally rash नहीं लेना. कभी भी जल्दबाजी में ये decision नहीं लेने. Every type of fixed asset is to be consciously decided
how much money we are going to invest, that is also to be carefully calculated, and then only you will have an idea ki ultimately mereko kitni fixed capital chahiye. Ab ye sara paisa kya directors apni taraf se lagayenge? When I talk about the fixed capital, no, in order to buy my fixed asset I need to borrow the money from the market. So once you have a clear cut idea aur aapka estimate bilkul sahi nikalta hai, तो ही आप डिसाइड करोगे कि कितना पैसा मैं इक्विटी की फॉर्म में बोरो करूं, कितने का मैं लोन लूं, कितने के मैं डिबेंचर्स रेज करूं, क्योंकि अकाउंटेंसी का भी ये रूल है, लॉन्ग टर्म एसेट्स आर ऑलवेज टू बी फाइनेंस्ड विद लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने के लिए हमेशा हम लोगों ने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का सहारा लेना होता है. सो इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स वाज आल्सो इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायर करने का खर्चा, एक्सपेंशन का, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट. अगर कोई एसेट पुराना हो गया है, डिस्कार्ड हो गया है, अगर मैंने नया खरीदना है तो वो भी फिक्स कैपिटल डिसीजन ही होगा. अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, एक्सपेंशन के लिए आपको नई मशीनरी लगानी है, नया प्लांट बनाना है, तो नया फर्नीचर इंस्टॉल करना है, तो उस केस में वो डिसीजन भी आपका कौन सा होगा? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिसीजन ही होगा. सो एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन, योर डिसीजन शुड बी रैशनल डिसीजन, योर डिसीजन शुड बी टेकन केयरफुली, कॉन्शियसली. कभी भी ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना, ठीक है? इवन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, इन्वेस्टिंग इन द एडवांस टेक्निक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, दीज ऑल आर योर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस. यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई है कि फिक्स्ड कैपिटल के जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. फर्स्ट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ. अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, हाउ यू कैन ग्रो? बिकॉज अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ आपके फिक्स एसेट्स के ऊपर डिपेंड करती है. इफ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो इन योर बिजनेस, देन यू नीड टू स्पेंड केयरफुली इन योर फिक्स कैपिटल. और सेकेंडली, ये कोई 2-5 रुपए का खेल नहीं है भाई, लाखों करोड़ों रुपए इसमें लगते हैं, इसलिए ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजंस ऐसे डिसीजंस हैं जो मेरे बिजनेस फॉर्चून को, मेरे बिजनेस की साउंडनेस को, मेरे बिजनेस की स्टैंडेबिलिटी को डिफाइन करते हैं. वंस दीज डिसीजंस आर टेकन रॉन्गली, द होल बिजनेस विल गेट फ्लॉप. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक देम केयरफुली. रिस्क इन्वॉल्व, ये वो डिसीजन है जिसमें रिस्क भी रहता है. अगर रिस्क है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इसके साथ अटैच्ड है. सो दैट्स व्हाई दीज डिसीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस. अगला पॉइंट हम पहले से डिस्कस कर चुके होते हैं, रिवर्सिबल डिसीजन, इररिवर्सिबल डिसीजंस. वंस दीज डिसीजंस आर टेकन रॉन्गली, यू कांट रिवोक देम. आप उन्हें वापस नहीं ले सकते हो, आपको लाखों करोड़ों का घाटा खाना पड़ेगा. जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, आपने एक मशीन इम्पोर्ट करवाई, यहाँ पे आके लगा कि ये मशीन तो जब तक पूरा इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप नहीं हमें मिलेगा, हम जनरेटर इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक इस मशीन में पावर की प्रॉब्लम आती रहेगी, और हमारे इम्प्लॉइज इसे अच्छे ढंग से नहीं चला पा रहे बिकॉज इट इज सो सोफिस्टिकेटेड. हर दूसरे दिन ये जाम हो जाती है ड्यू टू देयर मिस हैंडलिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ माय इम्प्लॉइज. इट मीन्स कि करोड़ रुपए की मशीन है और यहाँ पे आके आपको लगा है कि मशीन इज नॉट ऑफ वर्थ फॉर मी. आप वहां पे वापस तो भेज नहीं सकते हो, आपको यहाँ पे लोहे के भाव या किसी को सस्ते में बेचनी पड़ी, और 1 करोड़ के बदले में यू जस्ट गॉट 30 लाख. बैठे बैठाए आपको नहीं लगता 70 लाख का मेरे को घाटा है? तो इसमें इंटेलिजेंस किस चीज में थी? आप ऐसी मशीन का पहले नैनो मॉडल बनवाते उस कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से, अपने इंप्लॉयज को उस नैनो मॉडल पे ट्रेनिंग देते, उन्हें सिखाते इस मशीन को कैसे चलना है, चलाना है, then only you will be buying the original machinery. लेकिन आपने ऐसा decision लेते हुए ये सोचा ही नहीं, इसलिए ये decision आपका सारा flop हो गया, आपकी planning सारी flop हो गई. इसलिए वो कहता है इस decision को सोच समझ के लेना है, अपने IQ level को use करना है, and once these decisions are proved wrong you are going to suffer a lot. So in that context also our capital busting decision or our long term investment decisions or our fixed capital decisions are to be taken care of, are to be taken with full caution. ठीक है, बहुत सावधानी से, बहुत सोच विचार के आपने ये decisions लेने होते हैं. Now I told you that these two topics he will be explaining. He will be telling you the meaning of fixed capital as well as working capital. Then he will be talking about factors affecting fixed capital. Means कौन सी बातें आप माइंड में रखोगे जब आपने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को जज करना है?
How much I need of fixed capital? What type of considerations you are going to keep in your mind? That is very, very important here. First, nature of business. जब वो नेचर ऑफ बिजनेस की बात करता है ना, तो ही इज टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ बिजनेस. वन इज ट्रेडिंग कंसर्न, अनदर इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. आप सोच समझ के बताओ, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है, और दोनों में से कौन सी कंसर्न में आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए? यू टेल. I'm coming to your screens. Yes, anyone from you people? चाहिए होगा. और जो ट्रेडिंग कंसर्न है उसमें सिर्फ आपने बना बनाया सामान खरीदना है आगे बेचने के लिए. सो ट्रेडिंग कंसर्न विल बी रिक्वायरिंग लेस फिक्स कैपिटल इन कंपेरिजन टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दे यूज टू मैन्युफैक्चर द थिंग्स एट देयर ओन प्लांट. फॉर दैट दे नीड टू इंस्टॉल द हैवी और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी. सो कंक्लूजन यही है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है नेचर ऑफ बिजनेस में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिंग कंसर्न. उसने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है. फॉर एग्जांपल अ ट्रेडिंग कंसर्न लीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट. उसको मशीन लगाने की क्या जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग उसने खुद करनी नहीं है, बना बनाया सामान मार्केट से खरीदना है आगे सेल के लिए. सो दे जस्ट इंडल्ज इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, but they firstly assemble the raw material, they manufacture it on their own plant and then they sell it off. So is case mein inka machinery ke upar aur fixed capital ke upar zyada kharcha hota hai. To manufacturing concerns ki fixed capital requirement zyada hogi in comparison to your trading concern. So you have to see ki aapki concern ki nature kaisi hai, then you will be deciding how much fixed capital requirement will be there in your case. Second, डायरेक्ट रिलेशन है सेकंड में, स्केल ऑफ ऑपरेशंस. कुछ कंसर्न्स दे प्रोड्यूस अ लॉट, मींस उनका स्केल ऑफ बिजनेस ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? वो अपने नेशनल बाउंड्री में तो सामान बेचती हैं, इवन वो एक्सपोर्ट भी करती हैं, तो उनका बिजनेस का स्केल लार्ज स्केल होता है और उनके बनाए सामान की दूसरी कंट्रीज में भी डिमांड बहुत ज्यादा है. और कुछ बिजनेस कंसर्न्स ऐसी होती हैं जो अभी नई नई खुली हैं, जिनका बिजनेस का स्केल बहुत लोअर होता है. If you are running your business on a very, very large scale, you need more fixed capital. If your scale of business is small or medium, you need less fixed capital. देखो यही लिखा. A larger concern, larger company कौन सी है? जो इंडिया में नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट वेस्ट जोन सबको कवर करती है, पूरे नेशन को कवर करती है, हर जगह हर स्टेट में उसका सामान बिकता है. Like I am having example of Amul. ठीक है, और बाहर भी एक्सपोर्ट होता है उनका सामान, तो उनका स्केल ऑफ बिजनेस लार्ज. ठीक है, तो ऑब्वियस है दे विल बी रनिंग देयर बिजनेस ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल, दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. सो लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज बीइंग रिक्वायर्ड इफ योर स्केल ऑफ बिजनेस इज लार्ज. अगला पॉइंट भी आपने कहीं ना कहीं नाइन्थ और टेंथ की इकोनॉमिक्स में किया होता है, दैट इज चॉइस ऑफ टेक्निक्स. लिखा चॉइस ऑफ टेक्निक्स, थर्ड पॉइंट, choice of techniques. और यहां पे मैं डिस्कस करती हूं टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स वी हैव, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. जब आप सारा काम मैनुअली करते हो तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, जब आप सारा काम मशीनों से करते हो तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है. जब आपके बिजनेस की नेचर ऐसी है कि सारा काम मैनुअली होना है, लाइक इन केस ऑफ माय हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, कॉटेज इंडस्ट्री में काम चलता है, मैक्सिमम काम हाथों से होता है, ज्यादा मशीन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. तो वंस यू डिसाइडेड दैट होल ऑफ द वर्क इज टू बी डन मैनुअली बाय माय वर्कर्स, आई डोंट नीड टू इंस्टॉल हैवी टाइप ऑफ मशीनरी, इन दैट केस योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. But once you decide that everything in my company is going to be automated, then you need to install the heavy type of machinery, then your fixed capital requirement will be more. So search from this explanation, has he mentioned about labor intensive and capital intensive techniques? Yes, he has mentioned. To conclusion kya diya usne? The requirement of fixed capital for such organizations will be higher because it depends upon automation.
सारा काम यहाँ पे मशीनों से होता है. सो दे रिक्वायर द मनी टू बी इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी. लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, लेस इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट, दैट्स व्हाई देयर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. मेरे को लगता है पहले तीन पॉइंट क्लियर होने चाहिए. वन इज नेचर ऑफ बिजनेस, वेयर बाय ही इज मेंशनिंग अबाउट ट्रेडिंग कंसर्न एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. ट्रेडिंग कंसर्न में मशीनें वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपको अपना प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करना होता है, इसलिए वहां पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. देन वी हैव द सेकंड पॉइंट, दैट वाज स्केल ऑफ ऑपरेशंस. इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल, यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन योर फिक्स्ड कैपिटल. एंड इफ योर स्केल ऑफ बिजनेस इज स्मॉल इनफ और लेस, देन यू नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. डायरेक्ट रिलेशन है. देन ही मेंशन द थर्ड पॉइंट, चॉइस ऑफ टेक्निक्स. And hereby he has bifurcated the techniques for production, that is labor intensive and capital intensive. Labor intensive में सारा काम manually होना है, like in the case of handicraft and handloom industry of India. And वहाँ पे fixed capital requirement कम होगी, लेकिन capital intensive जहाँ पे सारा काम automated है, machinery से हो रहा है, you need to invest a lot in new and new machines for that companies, for that concerns, for that business houses. Your fixed capital requirement will be more. So let's proceed to the fourth point, technology upgradation. अगर आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये मानना है कि हमने बहुत जल्दी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, means your board of directors, they believe to invest a lot in research and development. बहुत जल्दी जल्दी वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं, so they need lot of money to be invested in fixed capital. क्योंकि बहुत जल्दी उनका मानना है कि पुरानी टेक्नोलॉजी डिस्कार्ड हो जाती है और उसकी जगह मेरे को नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को यूज करना है. फॉर दैट टाइप ऑफ कंसर्न फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई. बट इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज द टेक्नोलॉजी, अदरवाइज मार्केट में हर नए दिन नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर फिलोसफी कि आप कितनी जल्दी अपनी कंसर्न में टेक्नोलॉजी को चेंज करते हो या अपग्रेड करते हो. इफ यू आर इन द फेवर टू अपग्रेड योर टेक्नोलॉजी सो फ्रीक्वेंटली, देन यू विल बी रिक्वायरिंग मोर फिक्स्ड कैपिटल. बट इफ यू आर कंजर्वेटिव एनफ और आप बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना चाहते हो, देन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस इन दैट केस. उसने एक कंपनीज का फिलॉसफी नहीं बताई, कहता कई कंसर्न्स ऐसी होती हैं जिनमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, लाइक इन केस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ सेविंग ड्रग्स. ठीक है, तो नई नई मशीनें मार्केट में आती हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेडिसिन बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, तो वहां पर यह माना जाता है कि पहले वाली टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो जाती है. इफ यू आर डीलिंग इन सच टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी वेयर द टेक्नोलॉजी गेट्स outdated very soon, then you will be requiring more fixed capital. लेकिन कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री है, छोटी मोटी मशीन लगा रही वो 15-20 साल 50 साल भी चलेगी. ठीक है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डिस्कार्ड नहीं होती, ऑब्सोलीट नहीं होती, तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम ही चाहिए होती है. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो, इफ यू वॉन्ट टू एक्सपैंड, इफ यू वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई, इट मीन्स की यू नीड टू प्रोड्यूस मोर. If you need to produce more, तो आपको उस production को हासिल करने के लिए ज्यादा मशीनें भी तो लगानी पड़ेंगी, ज्यादा investment करना पड़ेगा plant and machinery पे. Growth के case में, diversification के case में, आपने नए product बनाने शुरू कर दिए. Earlier you were just manufacturing a single product. Now you want to introduce two new products in your product line. नए product introduce करने हैं, तो नए products को बनाने के लिए पुरानी वाली मशीनें थोड़ी ना लगेंगी. ठीक है, और आपको नई मशीन्स क्या करनी पड़ेंगी, इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, इन केस यू वांट टू ग्रो, इफ इन केस यू वांट टू एक्सपैंड. अगर आपके विजन और मिशन में ग्रोथ करना ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो उस केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. लेकिन अगर आप ग्रोथ नहीं करना चाहते, अपने एक सिंगल लाइन प्रोडक्ट के साथ ही चलना चाहते हैं, उस केस में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. इवन व्हेन सच अ ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, कंपनी में चूज टू क्रिएट हायर कैपेसिटी इन ऑर्डर, लाइक आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है. अर्लियर डिमांड वाज ऑफ ओनली 1 लाख यूनिट अ ईयर, नाउ यू एक्सपेक्ट कि आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा और आपको 50,000 और यूनिट बनाने पड़ेंगे, तो 1,50,000 यूनिट्स. उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए यू नीड मोर मशीन्स, सो इन दैट केस यू विल बी
क्योंकि डिवर्सिफिकेशन का पॉइंट उसने नेक्स्ट किया है, डिवर्सिफिकेशन वाला वही है जो मैंने अभी बताया। अर्लियर यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, नाउ यू वांट टू डिवर्सिफाई एरिया वाइज, कि पहले सिर्फ नॉर्थ और साउथ जोन को ही कवर करते थे, अब ईस्ट और वेस्ट में भी आपने अपने सामान को सप्लाई करना है, प्लस आप एक्सपोर्ट भी करोगे, ठीक है। और पहले आप एक सिंगल लाइन प्रोडक्ट ही बनाते थे, नाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग टू और थ्री न्यू प्रोडक्ट्स, सो इन दैट केस यू आर डिवर्सिफाइंग, राइट। पहले सैमसंग सिर्फ फोन बनाता था, अब रेफ्रिजरेटर भी है, माइक्रोवेव्स भी है, वॉशिंग मशीन भी है, दिस इज फॉर डिवर्सिफिकेशन। न्यू प्रोडक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेम कंपनी, राइट। सो जब आपकी डिवर्सिफिकेशन है तो डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट मशीनरी, डिफरेंट वर्कफोर्स, डिफरेंट मटेरियल आपको चाहिए होगा। इन दैट केस यू विल बी रिक्वायरिंग मोर फिक्स्ड कैपिटल। यस, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो और उससे रिलेटेड मशीनरी आपको लीज पे मिल जाती है, मीन्स आपको खुद बाय करने की जरूरत नहीं है, जो 1 करोड़ की मशीन है, ठीक है, जिसकी लाइफ 5 साल है, और 5 सालों के लिए वही मशीन अगर आपको लीज पे मिल जाती है और सिर्फ 35 लाख लगना है, तो यू आर सेविंग 65 लाख। इफ द सेम टाइप ऑफ मशीनरी इट इज अवेलेबल ऑन लीज, इट मीन्स कि यू रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर वो मशीन लीज पे नहीं मिलती, आपको खुद ही अपने ऑर्डर पे बनवानी पड़नी है, कस्टमाइज है, उस केस में यू नीड मोर फिक्स कैपिटल। देखो इसने क्या लिखा, अ डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट मे प्रोवाइड लीजिंग फैसिलिटी एज एन ऑल्टरनेटिव टू आउटराइट परचेज। कई बार कंपनीज के पास खुद वो चीज खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, तो अच्छी मार्केट्स में वो चीजें लीज पे भी मिल जाती हैं। लीज मींस ऑन रेंट बेसिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, 10-15 सालों के लिए आपको वो चीज मिल जाती है और सस्ते में भी मिलती है। अगर वो आप खरीदते खुद तो आपको 1 करोड़ खर्चा करना पड़ना था, 5 सालों के लिए आप लीज पे ले रहे हो तो सिर्फ 35 लाख लगना, सेमिल नैक आयर, और डेप्रिसिएशन का बर्डन भी आपको खुद नहीं बेयर करना पड़ना। इफ यू आर द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट देन यू हैव टू बेयर द बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल। By doing so, it avoids a huge sum required to purchase it. तो आपका पैसा बच जाता है जो आपने खुद purchase पे लगाना था। So availability of leasing facilities may reduce the funds required to be invested. तब आपकी fixed requirement, fixed capital requirement कम होगी। लेकिन अगर leasing facility उससे related नहीं है, then you have to buy it outrightly. आपको बाहर से loan वगैरह लेने पड़ेंगे उस चीज को खरीदने के लिए, क्योंकि lease पे वो available ही नहीं है। तब fixed capital requirement ज्यादा होगा। Level of collaboration. कई बार क्या होता है, दो कंपनीज मिलके एक एसेट को या मशीनरी को खरीदती हैं और दोनों कंपनीज उसे यूज करती हैं, हाफ ऑफ मनी वो इन्वेस्ट कर लेती हैं। लाइक आई ऑलवेज गिव, और बुक में भी ये लिखा है, लाइक अ एटीएम मशीन हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय टू बैंक्स कलेबरेटरी, कलेबरेशन से दो बैंक ने एक एटीएम मशीन इंस्टॉल करी, ठीक है। अगर ये कलेबरेशन का लेवल पॉसिबल है तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि आप हाफ ऑफ डालोगे उस केस में। अगर कलेबरेशन पॉसिबल नहीं है तो आपको अकेले को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सी कि मार्केट में आपके लिए किस तरह का सीन और सिनेरियो है, देन यू विल बी डिसाइडिंग कि मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। सो ऑल द 8 पॉइंट्स आई हैव थॉरली एक्सप्लेन। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू मे आस्क, यू कैन सेंड योर क्वेरी इन माई चैट बॉक्स। नाउ directly we are proceeding towards working capital requirement. So what is the meaning of working capital requirement? Aapki book mein likha hai. He says apart from investment to be made in fixed capital, we need the money to run our daily operations smoothly. And the capital which we require to meet our operational or incidental expenses or operating expenses, us capital ko hum working capital kehte hain. We need to invest in the liquid assets. We need to keep certain money. That is cash in hand. We need to deposit certain money in our bank account ताकि check और draft वहां से issue किए जा सके। Inventory मेरे को कितना रखना है, क्या मेरे को lenient credit policy adopt करनी है जिस case में मेरे debtors और BR बनेंगे। So this all you have to decide, ठीक है, before hand. And again, कितना cash in hand मेरे पास होना चाहिए, कितना inventory का backup मेरे को रखना है, किस level तक मैं debtors और BR रखना afford कर सकती हूँ, that is again a cumbersome job. And that your financial manager has to decide. Then I told you, he gave you a list of your current assets. He told you about NWC, which is the difference of current assets and current liabilities. Aur maine beginning mein hi aapko iske bare mein bata diya tha, that is net working capital. Isse pehle he is talking about gross working capital, right?
These assets जो ऊपर लिस्ट दी है वो करंट एसेट्स की, आप सबको पता है करंट एसेट्स क्या होते हैं, विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम दैट इज अ यूजुअली ऑफ 1 ईयर. दीज एसेट्स एज नोटेड अर्लियर आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट. अब कैश फ्लो का चैप्टर कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैश इक्विवेलेंट एज वेल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो दीज एसेट्स प्रोवाइड्स अ लिक्विडिटी टू द बिजनेस. एन एसेट इज मोर लिक्विड इफ इट इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकर एंड विदाउट रिडक्शन इन द वैल्यू. वैल्यू भी उसकी कम नहीं होती, आप बहुत जल्दी उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, उस एसेट को हम लोग मोस्ट लिक्विड एसेट बोलते हैं. Insufficient investment in current asset may make it more difficult for an organization to meet its payment obligation. अगर आपके पास करंट एसेट्स की कमी है तो आप अपने क्रेडिटर्स को और सप्लायर्स को या ट्रेड पेबर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं कर सकते हो. सो इन ऑर्डर टू पे योर पेमेंट्स टाइमली टू योर क्रेडिटर्स और टू योर सप्लायर्स, यू हैव टू स्ट्रेस अपॉन लिक्विड रेशियो और यू हैव टू स्ट्रेस अपॉन करंट रेशियो, जो हमने रेशियो एनालिसिस में किया है. सो ऑलवेज ट्राई टू कीप करंट एसेट्स मोर देन योर करंट लायबिलिटीज. और मेरी करंट रेशियो मेरे को क्या सिखाती थी, करंट एसेट शुड बी डबल देन द करंट लायबिलिटी, ताकि एज एंड व्हेन द पेमेंट गेट्स अराइजेस आई विल बी इन द पोजीशन टू पे देम ऑफ. जैसे ही मेरे ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स की पेमेंट का मैच्योरिटी टाइम आता है, मैं उसी टाइम उन्हें पेमेंट कर लूं. इतना कैश और इतना बैकअप मेरे पास जरूर होना चाहिए. Similarly, as we are having certain factors to be considered for our fixed capital requirement, in the same manner, we have certain factors to be considered for your working capital requirement, which we are going to take tomorrow. And we will be winding up the chapter tomorrow. And at the same time, we will be discussing the exercise question. So when we see the new pattern of your sample paper, they are not putting any type of MCQ. Sirf one mark question hai, that can be of one sentence or one word. So, आपका सारा पेपर सब्जेक्टिव है भाई, एंड इट्स ऑफ लाइक हाई लेवल पेपर है. सिंपल सिर्फ रट्टे लगा के और दो दिन पढ़ेंगे तो गुजारा नहीं होने वाला. यू नीड टू बी रेगुलर इनफ, यू नीड टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स डीपली, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर पेपर, राइट? सो बी रेगुलर, बी पंक्चुअल इन योर क्लासेस.